स्वागत है आपका आप आईएएस के दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चार आर्टिकल। ये चार आर्टिकल फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके ना केवल प्री बल्कि मेंस में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल ये चारों जो आर्टिकल हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ये आर्टिकल हैं। और ये जो है तो आपके इसमें कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट भी हैं जो कि आपके मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और यदि आप ये कंटेंट अपने मेंस के मतलब आंसर राइटिंग में इसका यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जो गुणवत्ता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। और हाँ, ज़रूरी ये है कि ये जो चारों आर्टिकल हैं तो आप जो है तो निश्चित तौर पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा पेशेंस के साथ सुनने के बाद आपको निश्चित तौर पर बहुत ही काफ़ी अच्छी अच्छी और काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, है ना। और जो कि आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होगा ना। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें से, यदि हम देखते हैं कि पहला आर्टिकल जो है तो ये अपने हाल ही में जैसे कि अपने प्रधानमंत्री की सऊदी अरब में औपचारिक यात्रा भी हुई थी ना आधिकारिक रूप से, तो उसमें से उसी से संबंधित जो उसके आउटपुट हुए है ना, जो उसके परिणाम हुए, इस प्रकार से भारत और सऊदी अरब के संबंध हैं तो उससे संबंधित ये आर्टिकल डिस्कस करता है। ये अच्छा आर्टिकल है ना, ये मतलब कि हमारी आईआर के समझ के लिए के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब तो वैसे भी खाड़ी देशों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए हर दृष्टिकोण से हो जाता है, सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक हर दृष्टिकोण से, है ना। तो इसलिए ये आर्टिकल जो है तो, और ये जो है तो शशांक जी का आर्टिकल जो कि पूर्व विदेश सचिव रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ना। वहीं अपन नेक्स्ट आर्टिकल जो है तो ये तकनीक के विस्तार से पहले मिले हैकिंग मुक्त व्यवस्था है, ये जो है तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, है ना। कुछ अभी जैसे कि हाल ही में जो हम बात करते हैं कि इसराइल का जो इसराइल में जो पेगासस जो स्पाईवेयर से वहाँ पास मतलब कि मीडिया और जो है पत्रकारों पे एक प्रकार से उनकी निगरानी रखी जाती है तो उससे संबंधित आर्टिकल के इस प्रकार से प्राइवेसी का हनन हो रहा है ना, तो उससे संबंधित आर्टिकल तो ये भी अच्छा आर्टिकल है। वहीं अब देखते हैं कि जो अपना नेक्स्ट आर्टिकल होगा कि ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है द्वार का खड़ा खतरा, तो ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है जो कि अपना इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है ना, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की जिस प्रकार से समस्याएं देखने को मिले तो आगे जो इसमें से बहुत ही भयावह भारत के लिए भी एक कर से इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा संकट गंभीर उस चुनौतियों जो आगे आने वाले समय में होने वाली हैं, है ना। जिस प्रकार से समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो किस प्रकार से जो बांग्लादेश मालदीव जैसे द्वीप जो है तो प्रकार से डूबने के कगार पर, तो उससे संबंधित जो है तो एक प्रकार से ये अच्छा आर्टिकल है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। वही अपना जो चौथा आर्टिकल है ये गुरुचरण दास जी का आर्टिकल है जो कि दुनिया भर में पूंजीवाद के भविष्य पर बहस, तो ये आर्टिकल जो है तो जैसे कि ये कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद यहाँ पास इस आर्टिकल में पूंजीवाद ऐसा बताया गया है कि पूंजीवाद जो है तो मतलब कि इसकी जो महत्ता है तो कम होती जा रही है समाजवाद की कंपेयर देन, है ना। और वहीं जो है तो इसमें जैसे कि पूंजीवाद ये जो अपनी कंपनियाँ हैं तो इनमें भी किस प्रकार से सीएसआर का जो क्रेज बढ़ता जा रहा है तो उससे संबंधित कि इसमें किस प्रकार से इनमें समन्वय की स्थापित करने की जरूरत है तो उससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। यह है कि जैसे दुनिया भर में पूंजीवाद के भविष्य पर बहस है, गुरुचरण दास जी का आर्टिकल है कि जैसे ये बात करते हैं कि विश्व में जब 2007-08 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो उसमें जो है तो एक प्रकार से उसके बाद से जो पूंजीवाद जो था तो एक प्रकार से डिफेंसिव स्थिति में आ चुका है, है ना। तब से बहुत ही ज़्यादा रक्षात्मक स्थिति में हो गया है और जिस प्रकार से एक बहुत ज़्यादा असमानता बढ़ती जा रही है तो इसके संबंध में देख सकते हैं कि अपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट का भी हवाला दे दिया जाए तो उसमें भी देख सकते हैं किस प्रकार से मतलब कि जो लगभग लगभग मोर देन 70% लोगों की संपत्ति जो है तो 1% के आसपास मतलब लोगों में के हाथ में संरक्षित है, तो इस प्रकार से जो इनइक्वलिटी की कंडीशंस देखने को मिलती है, है ना। तो उसमें देख सकते हैं जैसे सीईओ के काफ़ी ज़्यादा वेतन बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके प्रति भी आक्रोश या व्यापार में जिस प्रकार से अविश्वास बढ़ता जा रहा है तो पश्चिम में जो युवा पूंजीवादी बाज़ार है ना तो वो जो है तो इस व्यवस्था से एक प्रकार से दूर हो रहे हैं। अब यदि हम इसकी बात की जाए तो हार्वर्ड के एक अध्ययन में जो देखा गया कि 2016 में अमेरिका में 18 से जो 26 साल तक की जो आय मतलब कि 18 से 26 साल तक के जो आधे इस मतलब कि युवा थे तो उन्होंने पूंजीवाद को एक प्रकार से नकार दिया था, है ना। और इनमें एक तिहाई जो था समाजवाद का समर्थन कर रहे थे,
तो इसमें से ये भी दिलचस्प बात है कि इन्होंने मतलब कि आधे से ज़्यादा ने मतलब कि आधे ने तो पूंजीवाद को नकार दिया, वहीं इनमें से एक तिहाई ने समाजवाद के उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया था। तो इसके 2 साल बाद जो था एक गैलप का एक सर्वे भी आया था, तो इसकी पुष्टि उसमें से हुई थी जब इस आयु वर्ग के सिर्फ 45% युवाओं ने ही पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में राय दी थी, है ना। यानी कि किस प्रकार से पूंजीवाद की एक प्रकार से जो है तो क्रेज कम होता जा रहा है यंगस्टर्स में, जो कि एक प्रकार से यही तो आगे आगे का भविष्य होते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ से इनके प्रतिक्रियाओं से ये चीज़ें आगे स्पष्ट हो जाती है कि आगे की भविष्य की जो दशा और दिशा होगी तो किस उस पे करवट पे होगी, है ना। तो उससे चीज़ें व्यक्त होती हैं। तो जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इनके यदि हम उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जिसके कुछ ऐसे जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव है ना, वहीं ब्रेक्जिट के जो मतदान थे उससे भी ये रुख जो होते हैं तो स्पष्ट आते हैं इस प्रकार के। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि पूंजीवाद और समाजवाद की बात करते हैं। तो पूंजीवाद जो होता है, तो ये पूंजीवाद जो है तो एक सामाजिक व्यवस्था है जो कि व्यक्तिगत अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है ना। इसमें से व्यक्तिगत अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इसमें ये एक आर्थिक प्रणाली या तंत्र है जिसमें से उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है ना। और वहीं लाभ पर आधारित व्यवस्था ये है, और निवेश वितरण मूल्य आदि जो होते हैं ये मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी कि एक प्रकार से मुक्त बाजार की भी बात करते हैं, यहाँ पास जो है तो एक प्रकार से सरकार का वैसे नियंत्रण नहीं होता है, ये पास जो है तो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग अपने आप बैलेंस होता रहता है बाजार, है ना। तो ये पूंजीवाद इस पे मतलब कि पूंजीवाद ये फोकस करता है। तो वहीं हम समाजवाद की बात करते हैं, तो जो समाजवाद होता है तो इसमें से क्या होता है कि धन संपत्ति का जो स्वामित्व और वितरण होता है तो समाज के अधीन होता है ना। और वहीं जो निजी संपत्ति पर आधारित अधिकार जो होते हैं उसका ये विरोध करता है ना। वहीं एक मध्यम मार्ग के तौर पे जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वगैरह है, यानी कि इसमें कह सकते हैं धन संपत्ति पर एक प्रकार से नियंत्रण होता है, और एक प्रकार से वो समाज एक प्रकार से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो अपने हिसाब से वितरण करती है ना। तो ये समाजवाद और पूंजीवाद का फ़र्क है। तो यदि हम बात करते हैं कि जो पूंजीवाद जिस प्रकार से असफल हो रहा है, तो इस डर की वजह से अमेरिका के जो ये बड़े कॉरपोरेशन के 180 CEO थे, उन्होंने हाल में एक नया नीतिगत बयान स्टेटमेंट ऑफ पर्पज पेश किया था, है ना। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण इंटरेस्टेड फैक्ट देखने को मिले। ये जो है इसको देख सकते हैं, जो 1970 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन थे, उनके द्वारा जो प्रतिपादित लाभ और शेयरधारकों की जो प्रधानता के मौजूदा सिद्धांत था, उसकी जगह पर ये जो है तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इसकी जगह लेगा, है ना। फ्रीडमैन ने बताया था जैसे कि व्यापार का सिर्फ और सिर्फ एक ही सामाजिक दायित्व है। क्या है वो सामाजिक दायित्व? कि वो अपने संसाधनों का ज़्यादातर लाभ मतलब उसका संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लाभ को बढ़ाने के लिए करे, है ना। ये मिल्टन फ्रीडमैन का एक प्रकार से कॉन्सेप्ट था उनके हिसाब से व्यापार के लिए। तो वहीं जो नया स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है उसके हिसाब से कंपनी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य चेंज हो गए, है ना, समय के हिसाब से। तो यहाँ पास जो तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज के हिसाब से जो कंपनी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो अपने शेयरधारकों के हितों के साथ ही अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, सप्लायरों, समुदाय और पर्यावरण के हितों में संतुलन बनाने के साथ ही कंपनी को सामाजिक दायित्व के प्रति जवाबदेह बनाना है ना। यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की महत्ता ज़्यादा बढ़ गई। वहीं अमेरिकी कॉर्पोरेशन के इन नए लक्ष्यों का भारत में भी निश्चित तौर पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो अब देखते हैं कि इसके कुछ जो है तो अच्छे प्रभाव नहीं भी होंगे, है ना। तो उसमें हम यदि देखते हैं तो राइटर के हिसाब से जो इसमें कुछ मतलब कि इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, तो उसकी बात यदि की जाए तो इस नए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में कई गंभीर दिक्कतें तो कुछ इस प्रकार से हैं कि निश्चित तौर पर ये कॉरपोरेशन को अपने शेयरधारकों के हितों को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ बता कि जो कॉरपोरेशन होता है तो उसका जो फोकस होता है तो अपने शेयरधारकों के हितों को बढ़ावा देने की होती है, लेकिन तब आप इतने लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह कैसे हो सकते हैं, है ना। ये कॉरपोरेशन का तो फोकस ऑलरेडी होता है कि अपने ही शेयरधारकों के हितों के, यानी व्यक्तिगत पे ज़्यादा फोकस होता है, तब फिर इतने ज़्यादा जो उसके लक्ष्य इस मतलब कि इस पर्पज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के बनाए गए हैं, तो उन लक्ष्यों की पूर्ति कैसे हो सकती है, उनके प्रति आप कैसे अकाउंटेबल हो सकते हैं, है ना। समाज में हर संस्था को जवाबदेही की तो जरूरत है ही, लोकतंत्र अन्य सभी व्यवस्थाओं की तुलना में श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इसमें जो शासक होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, वहाँ तो जवाबदेही है। इसी तरह से जो लाभ है वो ये बताता है कि जो कंपनी की सेहत अच्छी है और वह अपने संसाधनों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ना। जब कॉरपोरेशन अपने एक प्रकार से जब प्रॉफिटेबल होगा तो वो भी तो उसके एक प्रकार से क्वालिटी को दिखाएगा ना, वो उसका मतलब कि एक प्रकार से उसका इम्प्रूवमेंट उसमें से देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वह जो है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से अपने लाभ के लिए शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह माना जाएगा जो कॉरपोरेशन है। वहीं दूसरी समस्या यहाँ पर ये देखने को मिली, है ना,
कि जो नए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, तो ये यह है कि इसमें नए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में कुछ भी नहीं है। मतलब कि जैसे कि एक कंपनी का लाभ तो पहले से ही इसके सभी हिस्सेदारों के हितों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के तौर तो पर देखा जाए कि एक कंपनी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वे अपने ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा नहीं करती है ना। अगर लोग उसके उत्पादों को पसंद ही नहीं करेंगे तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, वो कंपनी ही खत्म हो जाएगी। फिर दूसरी बात यह है कि किसी भी कंपनी के परिणाम अच्छे कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की उसकी क्षमता पर ही निर्भर होते हैं, है ना। यदि आज बात की जाए कि एक अच्छा व्यक्ति, जो अच्छा मतलब कि वेल एजुकेटेड बंदा है ना, तो ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहिए जो उसे एक पास अच्छी सुविधाएं दे, अच्छा वेतन दे, स्किल बढ़ाने के साथ उसे एक पास उसके वैल्यूज़ को भी साझा कर, उसके मूल्यों को भी साझा करती है। उदाहरण के तौर पर बात की जैसे कि उन वैल्यूज़ में, जैसे कि पर्यावरण की चिंताओं को भी उसमें शामिल करती है। इसलिए कंपनी का लाभ कर्मचारी को सम्मान देने पर भी निर्भर है ना। तीसरी बात यहाँ पास की गई कि एक अच्छी कंपनी ये जानती है कि अगर वह सप्लायर पर कीमत को लेकर के बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी ना, तो उसे गुणवत्ता का सामना करना पड़ेगा निश्चित तौर पर, है ना। तो इससे जो है तो उसके खुद के उत्पाद को निश्चित तौर पर नुकसान ही होगा। इसलिए जो है सप्लायर के साथ भी ईमानदारी से डील करना भी एक खाली वादा, मतलब कि ही खाली वादा ही है ना। आखिर में जब समाज को मदद करना और पर्यावरण की रक्षा करने से कंपनी प्रतिष्ठा हासिल करती है तो, और इससे ज़्यादा बिक्री होती तो लाभ बढ़ता ही है ना। तो ये एक प्रकार से उससे मतलब कि CSR से भी इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो क्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जो है तो सिर्फ अमेरिकी CEO के एक प्रकार से स्वसेवा एक्सरसाइज है, या आलोचकों के मुताबिक कहा जाने वाला पब्लिसिटी स्टंट है ना। यानी कि ये मात्र क्या दिखावा है कि एक प्रकार से ऐसी है। तो अब कंपनियां पर्यावरण के प्रति प्रोएक्टिव हो जाएंगी इस तरह, तो फिर है ना, तो टैक्स बचाने के कम रास्ते तलाशेंगी, वहीं समाज के भले पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी, इस पर भी सवाल भी खड़े होते हैं। तो 1995 में जब पूंजीवादी सुधार से भारी लाभ के बावजूद जब भारतीय आज भी मानते हैं कि जो बाजार है तो मुख्य रूप से अमीरों की ही मदद करता है ना, वे आज ही एक प्रकार से बाजार समर्थक और व्यापार समर्थक में अंतर नहीं करते हैं। CEO के इसने एक प्रकार से बात करते हैं कि यदि ये नए उसमें देखा जाए कि लाभ के प्रति एक प्रकार से दुविधा की वजह से, यहाँ पर राइटर ने कुछ मतलब कि आशंका व्यक्त की है कि भारत में निजी क्षेत्र में काम कर रहे जो मैनेजर हैं अपने काम को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाएंगे इसमें, है ना। वे भूल जाएंगे कि उनके उत्पादों में किस तरह लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, कैसे कंपनियों ने करोड़ों रोजगार पैदा किए हैं, किस तरह कारपोरेट से कारपोरेट किस तरह से जो कारपोरेट के लाभ की वजह से ही सरकार स्कूल और अस्पताल चला पाती है। तो जो CSR होता है, कानून पहले ही ऐसे संकेत दे चुका है कि लाभ कमाने से अहम सामाजिक दायित्व तो है। इस कानून को बनाने वाले तो निश्चित तौर पर ये भूल गए कि निवेश करने वाले जो मध्यम वर्ग है वो CSR के रूप में उसके 2% लाभ की चोरी की वजह से खुद को एक कैसे ठगा हुआ महसूस कर रहा है अब। यहाँ पास एक रोचक बात ये देखते हुए मिलते हैं कि जैसा बिल गेट्स ने एक बात जब कही थी कि जब 11 साल पहले उन्होंने दावोस में कहा था बिल गेट्स ने कि पूंजीवाद के 2 मिशन होने चाहिए, है ना। उन्होंने पूंजीवाद के 2 मिशन कौन कौन से बताए थे कि एक तो लाभ कमाना और उन लोगों का जीवन स्तर सुधारना जिन्हें बाजार की ताकतों से पूरा लाभ नहीं मिला है ना। लाभ कमाना और उन लोगों का जीवन स्तर सुधारना, दूसरा ये है कि जिन्हें बाजार की ताकतों से पूरा लाभ नहीं मिला है, लेकिन लोगों ने इसका मतलब कि लोगों को मतलब इसका गलत मतलब निकाला और लोगों ने जो है तो उनके जो विचार थे तो उसका मतलब कि गेट्स के विचार से ये नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट को गरीबों की ज़िंदगी बदलनी है ना। वो कंपनी के लेवल से बात नहीं कर रहे थे कि कंपनी जो है तो इस प्रकार से मतलब कि जो है तो जीवन स्तर लोगों का सुधारेगी, बल्कि उनका मतलब ये था कि जो माइक्रोसॉफ्ट से लोग लाभ कमाएंगे है, तो वो लोग जब टैक्स पे करेंगे तो उसके बाद जो लोग उपकार में लगे और गरीबों की मदद करेंगे, टैक्स अदा करने के बाद जो लोग एक प्रकार से मदद करेंगे तब तब फ़ायदा। यानी कि उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो ISR यानी इंडिविजुअल जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो, न कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। वो सामाजिक दायित्व की बात नहीं करते थे, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की नहीं बात करते थे। तो एक कंपनी को लाभ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते समय तो अपने सभी साझेदारों के हितों को पूरा ही करती है ना, और समाज के लिए बहुत एक प्रकार से कुछ करना अच्छा ही करती है। तो लोकोपकार एक शानदार काम है, लेकिन एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए, है ना। यानी कि उनका मतलब कि तात्पर्य यही है कि ISR होना कि CSR, यानी इंडिविजुअल जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है फोकस करते हैं ना। तो उस आर्टिकल में इतने ही, चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल है तकनीक के विस्तार से पहले मिले हैकिंग मुक्त व्यवस्था, ये अपना जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में जैसे कि बात की जाए कि यहाँ पास जैसे भारत की इकोनॉमी की बात की जाए तो पूरी तरह से एक प्रकार से हम
अपने एक तरह से डिजिटल होने की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का कैंपेन ही हमने चला रखा है ना। भारत में हर चीज़ें जो है तो डिजिटल हो रही हैं, और साथ ही साथ इससे निश्चित तौर पे कुछ हमें फ़ायदे भी हो रहे हैं, जैसे कि इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी कुछ लगाम मिल रही है। वहीं DBT के माध्यम से यदि बात की जाए तो सरकार लगभग 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा जब मतलब कि बचत भी कर ली है। तो यदि हम इस तरह की बातें किए कि तो ठीक है, डिजिटल तो बढ़िया है, वही जो है मध्य वर्ग कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ भी रहा है, तो यही एक प्रकार से आधार कार्ड की जरूरत ज़्यादातर पड़ने लगी है। वही कानूनी बाध्यता बनाने का एक प्रकार से प्रयास भी चल रहा है आधार को जोड़ने का। लेकिन जब ये खबर एक प्रकार से यहाँ पर से मतलब देखते हैं कि जो हैकर्स की बात की है, तो हैकर्स ने आधार कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड का डाटा चोरी कर लिया, इस प्रकार की खबरें आती हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक प्रकार से ये बहुत ही एक संकट की स्थिति होती है कि इस प्रकार की कल्पना करना निश्चित तौर पर यह संभव भी है, क्योंकि जिस प्रकार से डिजिटल हो गया है तो निश्चित तौर पर हैकर्स इसका बहुत ही मिसयूज भी कर सकते हैं, है ना। एक प्रकार से जैसे कि हम सपोज़ करें तो कोई व्यक्ति अपने मतलब कि काफ़ी मतलब ज़िंदगी भर उसने कमाई की और अपना पूरा सेव करके पैसे कुछ भी रखा हुआ है, मनी वगैरह, है ना, लेकिन वो एक प्रकार से चोरों के भय से बैंक में रखा और एक प्रकार से जब उसकी ज़रूरत पड़े तो हैकर उसका पूरा पैसे ही निकाल ले, तो निश्चित तौर पर वो जो है तो बहुत ही मतलब कि वो ख़राब स्थिति होगी उसके लिए, है ना। तो हम बात करते हैं कि इसमें से मतलब कि डर तो ये भी है कि आम जनता को जो डाटा चोरी हो सकता है, तो क्या हमारी प्रतिरक्षा के गुप्त आंकड़े सुरक्षित हैं क्या, है ना। निश्चित तौर पे जो है तो एक प्रकार से हमारे जो डाटा हैं तो उनकी सिक्योरिटी अच्छे से नहीं है, है ना। उसमें भी एक प्रकार से संकट के ही बादल छाए रहते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि हर नई तकनीक ज़्यादा सस्ती, तेज़ और सुविधाजनक तो होती है, और कोई विकासशील देश इसके प्रयोग को बाधित नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पे अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है तो इसमें नए नए तो चीज़ें और नए नए डायमेंशन तो ऐड होंगे ही, तो सरकार को उसके प्रयोग को जन विस्तार देने के लिए छोटा मोटा कानून बनाना भी समझा जा सकता है। लेकिन क्या यह सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है कि यह सब करने से पहले उसे एक प्रकार से जो नुकसान होते उसका ही पूरी तरह से अवलोकन करे, साथ ही साथ जो है तो उसे पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए जो है तो नए इलेक्ट्रॉनिक कार्डों को एक प्रकार से हैकर प्रूफ बनाए, है ना। तो करीब लगभग 12 लाख भारतीयों के जो क्रेडिट डेबिट कार्ड का डाटा विदेश में बैठे हैकर से एक प्रकार से चुरा लेते हैं, इस प्रकार की भी खबरें आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। वहीं दिल्ली में एक संयुक्त पुलिस आयुक्त तो उनके पहले एक पुलिस उपायुक्त के बैंक से भी लाखों रुपए हैकरों ने निकाल लिए। तो निश्चित तौर पे जो है तो एक प्रकार से ये जो है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है तो बहुत ही एक प्रकार से कमज़ोर स्थिति पे है ना। वहीं बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ हाल ही में भी बात की जाए कि इसराइली सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, है ना, ये आपके उसके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो पेगासस है तो ये स्पाईवेयर है ना इसराइल का। तो ये जो है तो ये क्या करता था, ये वहीं की कंपनी मतलब कि उसने डेवलप किया था। तो ये जो पेगासस है तो इसका इस्तेमाल करने वाला कोई भी संगठन देश के दर्जनों पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रख रहा है ना, ये इसराइल में। तो वहीं ऐसे रहस्य उद्घाटन के बाद तो इलेक्ट्रॉनिक की टेक्नोलॉजी के प्रयोग को लेकर के देश की सुरक्षा भी एक प्रकार से बड़ी चिंता का ही विषय बनता है ना। तो ये बात की जाए कि इसी का उदाहरण भी देखा जा सकता है कि जो अभिनंदन वर्धमान की जो पाकिस्तान सीमा में जो मतलब कि उनका जो मतलब प्लेन था वो वहाँ पर चला गया था, तो उसके पीछे भी जो था कि पाकिस्तान की सेना ने क्या किया था कि वो जो संवाद का ब्लॉक था तो उसको ही एक संवाद को ही एक प्रकार से ब्लॉक कर दिया था, इसीलिए उनको सटीक जानकारी नहीं मिल पाई और जो है तो वहाँ पास उस सीमा पार चले गए थे। तो ये भी इसका उदाहरण तौर पे देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं कि जो इसराइली सॉफ्टवेयर जो है ये स्पाईवेयर पेगासस है, तो ये जो है तो पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की जो गतिविधियाँ हैं वो जान सकता है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की, है ना, पत्रकारों की, सभी के प्रकार से खुफिया उनके सेट्स में एक लिंक भेज करके वो इंस्टॉल हो जाता है उसमें, है ना। उसके बाद जो है तो पूरा जो डाटा होता है तो उसको स्कैन कर जाता है, पूरा डाटा जो है तो हैक कर लेता है उसके। और ये बात करते हैं कि सरकार जो है तो उसका इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरणों को महफूज रखने और मध्यम वर्ग के बैंक खाते बचाने में भी कर सकती है ना, जो इसराइली सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो इससे पहले कि मध्यम वर्ग का विश्वास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उठने लगे, सरकार को एक हैकिंग व्यवस्था देनी होगी, है निश्चित तौर पर। यदि हम मतलब कि अपने आप को इसमें मतलब कि डिजिटल उसमें सिक्योर नहीं फील करेंगे तो लोग इधर क्यों आएंगे, इसी प्रकार की मतलब कि अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी ना सरकार के द्वारा, तो निश्चित तौर पर लोग जो है तो इसमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही, चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये आर्टिकल है कि द्वार खड़ा खतरे, यहाँ पर जैसे कि क्लाइमेट से रिलेटेड है ना, ग्लोबल वार्मिंग की जिस प्रकार से चैलेंजेस देखने को मिलते रहते हैं, तो इससे संबंधित आर्टिकल की जैसे बात की जाए कि
अभी तक ये ऐसा माना जा रहा था कि इस सदी के मध्य तक लगभग ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा तो भारत भी उससे एक प्रकार से निष्प्रभावित नहीं रहेगा, है ना। यानी कि इससे वे हिस्से पानी में डूब जाएंगे जो समुद्र के किनारे हैं और जिनका भू स्तर काफ़ी नीचे है। लेकिन धारणा ये बनी रही थी कि इससे भारत जो है तो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा जितना कि कुछ अन्य देश होंगे, है ना, ऐसा मानना था। लेकिन एक ये भी मतलब कि ऐसा मानना था लोगों का कि समुद्र का जो बढ़ता जल स्तर है तो भारत के जो तटवर्ती इलाके हैं तो उसमें रहने वाले लगभग 50 लाख लोगों को विस्थापित कर देगा। कुछ दूसरी तरह के खतरे की बात की जाए तो उसमें भी मतलब कि और भी देख सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से और पूरा का पूरा मालदीव के डूबने का भी खतरा है ना। तो इसलिए ये भी आशंका थी कि इन देशों के प्रभावित लोग एक प्रकार से शरणार्थी के तौर रूप में भारत की ओर रुख करेंगे, इससे भारत में भी एक प्रकार से ज़्यादा मतलब संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन अब एक नया आकलन आया है तो वो ये बताता है कि भारत पर जो सीधा पड़ने वाला जो खतरा है तो इससे बहुत ज़्यादा होगा। ये जो तो अनुमान थे तो इससे कई गुना ज़्यादा बढ़े ये खतरा होने वाला है ना। जो नासा के शटल राडर टोपोग्राफी मिशन का एक जरिए एक अध्ययन हुआ था तो इससे ये परिणाम देखने को मिले कि साल 2050 तक समुद्र का जल स्तर जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भारत के मुंबई, नवी मुंबई और कोलकाता जैसे जो महानगर हैं वो भी सदा के लिए जलमग्न हो जाएंगे, है ना, जलमग्न हो सकते हैं। इस प्रकार की आशंका जो कि बहुत ही बड़ी मतलब कि एक प्रकार से भारत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल ही नहीं बल्कि गुजरात के तटवर्ती इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आशंका तो यह है कि इससे भारत के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को विस्थापित भी होना पड़ सकता है ना। तो यानी कि मतलब कितने बड़े लेवल पर तबाही मतलब कि यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि इसकी आशंका व्यक्त की गई। वही नए अध्ययन में ये भी मिला देखने को मिला है कि पहले इस मामले में जो आकलन हुए थे तो उनमें खतरे को बहुत कम आंका गया था, लेकिन ये इसमें ये नए अध्ययन की बात की जाए तो इसमें समुद्र का जलस्तर बढ़ने से दुनिया की लगभग 30 करोड़ आबादी प्रभावित होगी, वहीं अकेले बांग्लादेश में लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो जाएंगे, है ना। निश्चित तौर पर इससे इसका दबाव तो भारत पे बन ही सकता है। वहीं समुद्र का जलस्तर इस तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी जो 20वीं सदी में जल स्तर है 11 से 16 सेंटीमीटर के बीच बढ़ा था, है ना। तो अनुमान यह है कि मौजूदा जो पूरी सदी में ये 50 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि अगर कार्बन उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहा तो इस सदी के अंत तक जो जल स्तर है वो 2 मीटर तक ऊपर चढ़ सकता है। इसका अर्थ होगा कहीं बड़े हिस्से का एक प्रकार से डूब जाना। तो निश्चित तौर पर ये एक प्रकार से भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक दृष्टि से बात की जाए तो एक बहुत ही मतलब कि एक संकट का ही संकेत इसको माना जा सकता है ना, निश्चित तौर पे। वहीं यदि हम बात करते हैं कि अपनी हम लोगों ने पिछले अपने उस पर भी डिस्कस किया था कि जो जो ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियाँ देखने को मिलती रहती हैं, है ना, ये कार्बन एमिशन जो इस प्रकार से होता है तो इससे तो ये चीज़ ज़्यादा मतलब कि क्रिएट होती है। तो जो एक रिपोर्ट आई थी कि वार्निंग टू ह्यूमैनिटी, ये सेकंड नोटिस जो बायोसाइंस जनरल में आई थी तो उसमें भी जो बातें हुई थी तो उसमें भी देखा गया था कि जैसे कि ये जो इसी इसी की वजह से मतलब लगभग जलवायु परिवर्तन से वैश्विक जीडीपी में लगभग 1.6% की कमी देखने को मिल रही थी, मतलब 1.6% की कमी हो रही है। वहीं तापमान यदि इसी तरह बढ़ता रहा तो ये लगभग लगभग 2030 तक बढ़कर के 3.2% तक होने की संभावना व्यक्त की गई थी। जबकि एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जीडीपी में तो इतनी बढ़ोतरी होगी, वहीं यदि हम वैश्विक जीडीपी का मात्र 0.5% खर्च कर देंगे तो हम कार्बन पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था मतलब कि बिना एक प्रकार से कम कार्बन पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था भी बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार से कह सकते कितना मतलब कि लोग हम जान मतलब कि वैश्विक दृष्टि से बात करें कि लोग जान मतलब पूरा विश्व इस प्रकार यदि इसमें प्रयास करें सार्थक रूप से तो निश्चित तौर पर जो इसमें कम लागत पर ही हम बेहतर तरीके से इससे निपट भी सकते हैं ना। लेकिन ज़रूरत है इसके लिए इच्छा शक्ति की, है ना। वही तो बात की जाए कि इसका जो नुकसान है तो सिर्फ तटवर्ती इलाकों में नहीं बल्कि धरती के बाकी हिस्सों में भी इसका असर बहुत ज़्यादा जल संकट खासकर पेयजल संकट के रूप में भी दिखाई देगा, है ना। पेयजल संकट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसी रिपोर्ट की बात की जो बायोसाइंस जनरल की थी तो उसमें जो है ताज़े पानी में लगभग लगभग इसी की वजह से 26% तक गिरावट देखने को मिली थी, है ना। वही यदि हम बात करते हैं कि ये संकट जैसे अलग अलग रूपों में देखने को मिलेगा, जैसे हमारे नगरों, महानगरों और गांवों तक भी ये संकट देखने को मिलेगा। देश के करीब लगभग बात कीजिए कि सभी पुराने नगर, कस्बे, है ना, गांव, प्राकृतिक जल संसाधन, नदी, तालाब, इन पे सभी में जो है तो ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
और साथ ही एक बात करते हैं कि जल तो निश्चित तौर पर हमारी सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अब एक तरफ बढ़ता जल स्तर लोगों को एक प्रकार से चुनौती दे रहा है, तो दूसरी तरफ जल संकट लोगों को बस्ती छोड़ने के लिए मजबूर करता दिख रहा है ना। तो इसे रोकने के लिए एक ही तरीका है कि धरती को गर्म होने से बचाना है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको बचाना। तो इसकी तेज़ी और ईमानदारी से शुरुआत करने का वक्त आ गया, मतलब कि इसके लिए लोगों को सचेत होने की बात की गई है ना। वही बताइए कि जहाँ पास जैसे कि इसको इससे बचने के लिए जो तो कम कारण पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए मात्र 0.5% GDP का खर्च होना था, वहीं यदि इस पे नहीं नियंत्रण मतलब किया गया तो उससे जो है तो लगभग 2030 तक GDP का वैश्विक GDP का 3.2% खर्च होता। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादा बेटर कौन सा है ना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये अपना आर्टिकल है सऊदी अरब से नए रिश्तों का आगाज़। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है क्योंकि तो अभी जैसे कि हाल ही में जो है तो आधिकारिक यात्रा भी प्रधानमंत्री जी की सऊदी अरब में हुई थी है ना। तो उसे से देखते हैं कि जैसे कि अभी हाल ही में बात की जाए कि जैसे इस ये जो दौरा हुआ था तो इसकी हम महत्वपूर्णता की बात करेंगे कि जैसे भारत और सऊदी अरब जो है तो खरीद बिक्री के संबंधों से तो उन्होंने आगे बढ़कर कुछ रणनीतिक साझेदारी की बातें भी करने लगे हैं है ना। यानी रणनीतिक साझेदारी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिल रही है दोनों देशों के बीच। ये जो रणनीतिक साझेदारी जो है तो परिषद के गठन का भी एक मसौदा वहाँ पर समझौता किया गया है ना, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साझा मसलों पर विचार विमर्श करेगा। तो साफ है कि पाकिस्तान के करीब माना जाए जब सऊदी अरब है तो भारत के साथ संबंधों को एक प्रकार से नए दृष्टिकोण से भी देखने में जुट गया है। तो इससे नई दिल्ली और रियाद को जो आपसी कारोबार शिखर है तो वो तो मतलब कि शीर्ष पर पहुँचेगा ही, वहीं एशिया महाद्वीप का राजनीतिक समीकरण भी एक प्रकार से नए रूप में देखने को मिल सकता है। हम बात करते हैं कि सऊदी अरब की लोकेशन की बात की तो यहाँ पास सऊदी अरब भी आप देख सकते हैं ना, वहीं ईरान इराक के लोकेशन पे। तो यदि हम देखें कि कुछ महत्वपूर्ण कुछ बातें देखते हैं कि भारत और तो सऊदी अरब के संबंधों की बात की जाए है ना, तो इनके थोड़ा बैकग्राउंड में देखते हैं कि जैसे भारत और तो सऊदी अरब संबंध में यहाँ पर देखें कि आखिर सऊदी अरब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू क्यों क्यों इसकी इतनी ज़्यादा महत्ता है ना। एक तो ये अपनी भू अवस्थिति के कारण ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस भारत के लिए बढ़ जाती है ना। साथ ही साथ बात करते हैं कि भारत और सऊदी अरब के जो है तो हज़ारों वर्षों से लगभग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। वहीं जो बात करें कि सऊदी अरब में लगभग भारत के लगभग 2.6 मिलियन प्रवासी भारतीय भी हैं है ना, जो कि दोनों के संबंधों को एक प्रकार से सुदृढ़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सहायक होते हैं। वहीं जैसे बात की जाए कि हज यात्रा जो है तो द्विपक्षीय संबंधों को काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से महत्वपूर्ण एक घटक ही है ना हज यात्रा। इस बात करके मुस्लिम आबादी के हिसाब से बात की जाए तो भारत जो है तो तीसरे नंबर पे विश्व स्तर पे है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पास जो तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पास काम करता है। वही बात करते हैं कि जो ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, ई वीज़ा जारी करने संबंधित में भी दोनों देशों में सहयोग मतलब परस्पर चल रहे हैं। वहीं सऊदी से भारत जो है तो अपना लगभग लगभग उपयोग का 18% जो कच्चा तेल, वहीं 30% द्रवित पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति भी करता है ना। यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में भी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब किसकी इंपॉर्टेंस है ये देख सकते हैं। वही बात करें कि सऊदी जो है तो भारत का लगभग अब चौथा बड़ा कारोबारी साझेदार भी बन चुका है ना। वहीं हम देखते हैं कि जो हाल ही में भारतीय PM और सऊदी प्रिंस की जो यहाँ पास मतलब वहाँ पास कुछ समझौते हुए थे तो उसके बारे में हम एक नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि दोनों देशों ने रणनीतिक मुद्दों पर समन्वय हेतु भारत सऊदी की रणनीतिक साझेदारी परिषद का गठन किया है ना। रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी कि इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। इस परिषद में क्या होगा महत्वपूर्ण है कि इसकी जो अध्यक्षता है तो मतलब भारतीय प्रधानमंत्री और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा की जाएगी। और ये महत्वपूर्ण यह है कि हर 2 वर्ष में ये इसका मतलब कि आयोजन होगा, इसकी बैठक होगी है ना। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत जो है तो चौथा देश है जिसके साथ सऊदी ने इस प्रकार की रणनीतिक साझेदारी की है, ये भी महत्वपूर्ण है ना। वहीं इस अवसर पर जैसे कि सैन्य, उद्योग, सुरक्षा है ना, हवाई सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा उत्पाद जैसे क्षेत्रों में जो है तो समझौते तो हुए ही हैं। साथ ही साथ जो है तो रुपे कार्ड का भी उपयोग यहाँ पर तक मतलब कि सऊदी अरब में रुपे कार्ड भी मतलब कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कि जैसे कि बात की जाए कि इससे पहले मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, वहीं बहरीन में भी किया गया था है ना, शायद यहाँ पास भी ये मतलब कि अब सऊदी अरब में भी किया गया है तो रुपए कार्ड। वहीं बात की जाए कि इनमें 12 समझौते दोनों में हुए हैं, वहीं
आतंकवाद से भी मतलब कि दोनों देश मतलब कि लड़ने के लिए मतलब तत्पर ही हैं। वहीं जैसे कि बात की जाए कि वहाँ पास प्रधानमंत्री ने भी एक प्रकार से जो पश्चिम एशिया में अस्थिरता देखने को मिल रही, अशांति और संघर्ष, तो उसमें भी दोनों ने मिलकर के प्रकार से संप्रभुता और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों का पालन करते हुए संतुलित दृष्टिकोण से उन्हें हल करने की बात मतलब की है। वहीं 2010 में बात की जाए कि जो रियाद घोषणा था उस पर हस्ताक्षर के बाद ही जो भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में सऊदी अरब उभरा था। थोड़ा सा एक हम नज़र यहाँ पर डालते हैं कि जो रणनीतिक साझेदारी की बात की जाए तो ये रणनीतिक साझेदारी क्या है ना, ये हम सुनते तो हैं रणनीतिक साझेदारी, लेकिन आखिर है ये क्या? तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती है कि इसमें पाँच फैक्टर होते हैं, है ना। तो इसमें पाँच फैक्टर की बात की जाती है, तो उसमें से पहले फैक्टर में जो रणनीतिक साझेदारी के तहत जाती है जो पॉलिटिक्स आती है ना, वो राजनीतिक दृष्टि से। वहीं जो सेकंड नंबर पे बात की जाए तो डिफेंस से रिलेटेड होता है ना। वहीं थर्ड की बात की जाए तो वो होता है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, इससे रिलेटेड, ठीक है। वहीं एकदम फोर्थ की बात की जाए तो एंटी टेररिज्म कॉपरेशन, यानी कह सकते हैं कि आतंकवाद से निपटने संबंधित सहयोग से बात होती है। वहीं जो फिफ्थ क्षेत्र है तो ये स्पेस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित होता है, तो ये है अपने कौन से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। और एक छठवां माना जाता है कभी कभी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, है ना, कॉपरेशन, है ना, तो यानी कि आर्थिक सहयोग की बातें होती। तो ये है रणनीतिक साझेदारी यहाँ पास। तो अब देखते हैं कि जैसे इनमें आखिर यहाँ पास जो है तो भविष्य के निवेश की जो पहल वहाँ पास सऊदी ने की थी ना, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव उसका होता है, ये सऊदी का जो वार्षिक निवेश मंच है ना, ये FII, तो ये इसे जो है तो रेगिस्तान में दावोस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो इसका उद्देश्य विजन 2030 के तहत एक प्रकार से पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है ना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा इसका आयोजन होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि सऊदी द्वारा जो अपनी तेल आधारित अर्थव्यवस्था है तो उसके आर्थिक विकास को बढ़ाना, वहीं वैश्विक रणनीतिक भागीदारों और निवेश प्रबंधक के साथ काम करना है ना। क्योंकि देखते हैं कि जैसे कि सऊदी की जो इकोनॉमी ज़्यादातर पहले तेल पर डिपेंड, तो अब सऊदी जो है तो इसमें तेल में तो एक प्रकार से अस्थिरता देखने को मिलती ही रहती है। अभी हाल ही में बात करते हैं कि सऊदी की जो तेल रिफाइनरी बड़ी अरामको कंपनी थी, उसके उसमें जो है तो ड्रोन हमले भी हुए थे। तो इस प्रकार से बात की जाए कि ये तो थोड़ा सा भारत के मतलब कि सऊदी के लिए जो है तो सिर्फ तेल पर निर्भर रहना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हितकर नहीं है, तो इसीलिए वो जो तो थोड़ा अन्य क्षेत्रों पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो वहीं बात करते हैं कि जैसे सऊदी की अरामको और भारत की जो सार्वजनिक तेल कंपनी है उनके द्वारा संयुक्त रूप से महाराष्ट्र के जो रायगढ़ जिला है उसमें भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी भी स्थापित होगी, है ना। ये भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, है ना। तो ये है, अब चलते हैं हम आर्टिकल की तरफ। तो जैसे बात करते हैं कि सऊदी अरब व्यापार के लिहाज से भारत का चौथा सबसे बड़ा साझेदार है ही। 2017-18 में बात की जाए दोनों देशों के बीच लगभग 27.48 अरब 27.48 अरब डॉलर का कारोबार भी हुआ था, है ना। तो इसमें बात की तेल की महत्वपूर्ण भूमिका तो है ही, है ना, क्योंकि भारत तो बड़े लेवल पे इसमें इससे इम्पोर्ट करता ही है। वहीं भारत की सबसे बड़ी जरूरत तो ऊर्जा सुरक्षा ही है ना। नई दिल्ली अपनी जरूरत का लगभग 83% जो तेल है तो वो आयात करता है। तो यदि हम इसमें देखें कि इराक के बाद जो सऊदी अरब है वही जो है तो हमें सबसे ज़्यादा तेल बेचता है, इराक के बाद सेकंड नंबर पे। यहाँ तक कि जो तेल उत्पादन 50 से 60% कम होने के बाद भी सऊदी अरब ने भारत को तेल कंटिन्यू मतलब को देना चालू रखा है। तो पिछले साल की बात भी किया तो उसमें भारत को लगभग 4.03 टन कच्चा तेल उसने निर्यात किया था, है ना। तो यदि देखते हैं कि विकास दर को बनाए रखने में जो तेल की हमें तो हालांकि है ही, ऐसे में भले ही एक प्रकार से बात की कि नए हम मतलब कि नई दिल्ली अच्छे ऊर्जा के अधिकारी के इस्तेमाल की ओर बढ़ चली हो, लेकिन अन्य ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर मतलब कि हमें रहती ही है ना। तो इसलिए सऊदी अरब जो है तो हमारे लिए एक प्रकार से भरोसेमंद, काफ़ी भरोसेमंद के रूप में उभरा है। तो ये हम बात की जाए कि ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं, मतलब कि सऊदी अरब को भी मतलब कि भारत की ज़रूरत है ना। जैसे कि बात की जाए कि जैसे वो अपने संसाधनों का विस्तार कर रहा है, जिस प्रकार से वही तेल बाजार पर ही वो निर्भर ना रह मतलब कि ना रह करके अन्य क्षेत्रों पे भी एक प्रकार से अपना विस्तार करना चाहता है ना। ये उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से सेल तकनीक का इस्तेमाल करके अपने यहाँ एक प्रकार से तेल उत्पादन बढ़ा रहा है, इससे तो वहाँ आयात काफ़ी कम हो गया है ना। वहीं निर्यात भी अपेक्षाकृत वो ज़्यादा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर सऊदी अरब जैसे देश के लिए तो उनका पूरा राजकोष ही जिस प्रकार से तेल पर निर्भर होता है तो उन्हें अन्य विकल्प तलाशने की ज़रूरत हो भी जाती है। वहीं जैसे बात की जाए कि चूंकि वैश्विक मंच पर भारत के एक प्रकार से तेज़ी से डेवलप करने वाला मतलब इकोनॉमी बन रहा है, तो उस हिसाब से भी सऊदी अरब जो है तो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे साथ साझेदारी करने के लिए ज़्यादा उत्सुक दिखता है ना।
इसी कड़ी में बात की जाए कि उसने जैसे पिछले महीने भी एक घोषणा की थी कि वह भारत में ऊर्जा, तेल शोधन और इंफ्रास्ट्रक्चर खनन आदि में भी लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश करने की उसने इच्छा जताई थी सऊदी अरब ने भारत में, है ना। तो ही इस संदर्भ में बात किया तो यहाँ पर ये यात्रा जो है तो एक प्रकार से इस निवेश का खाका तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी हुई होगी, है ना। विदेशी निवेश को बढ़ाना और मौजूदा सरकार की तो एक प्रकार से प्राथमिकता है भी। एक बात करते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट यानी दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध को बेहतर बनाने में भी ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हो हुआ है ना। दोनों देशों के बीच जैसे रुपए कार्ड शुरू करना, इसमें एक प्रकार से सऊदी अरब में लगभग 26 लाख भारतीय काम करते हैं, ये भी एक फैक्ट हम लोगों ने देखा भी। वहीं इस बात की जाए कि वहाँ हर साल लाखों तीर्थयात्री भी जाते रहते हैं, हज यात्री की बात करते हैं, है ना। तो इन सब के लिए वहाँ भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित जो रुपये है उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद जो है तो सऊदी अरब तीसरा खाड़ी देश है जहाँ रुपये कार्ड को इस कदर मतलब कैसे मान्यता दी गई है। तो यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है ना। एक बात की जाए कि क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि तो प्रधानमंत्री का जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन था उसको संबोधित करना भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है ना। उन्हें तो इस यहाँ पर जो है तो मुख्य वक्ता के रूप में ही बुलाया गया था। ये वैश्विक निवेश का एक बहुत बड़ा मंच है ना। इसे जो है तो एक प्रकार से मरुभूमि में दावोस भी कहा जाता है। तो ये बात की जाए कि इसका जो सम्मेलन का पूरा एक प्रकार से हासिल तो आने वाले दिनों में पता चले, लेकिन उम्मीद यहाँ पर की जाए तो बीते वर्ष जो देखें कि संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के विरोध के बाद भी जो है तो OIC के उद्घाटन में जो है तो भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया था। तो इसने निश्चित तौर पे इस्लामी निवेशकों का भरोसा जो है तो भारत के प्रति बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया है। हाँ, तो ऐसे वक्त में ये बात किया कि जब पाकिस्तान जो है तो कश्मीर मुद्दे का एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय करने में जुटा है, तो खाड़ी और इस्लामी देशों में भारत को एक प्रकार से बात किया कि सऊदी अरब जो है तो ये एक प्रकार से सपोर्टर के रूप में उभरा है ना। तो निश्चित तौर पे जो है तो यहाँ के उसने तो सऊदी अरब ने तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी एक प्रकार से नवाजा, जिससे कि भारत की अहमियत तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस संदर्भ में। हाँ, तो एक बात की है कि जहाँ पाकिस्तान एक प्रकार से जो तमाम समीकरण तो इस प्रकार बात करते हैं, जैसे इस्लामाबाद के उकसावे में भी रियाद एक प्रकार से शायद ही आना वहाँ पसंद करेगा। जैसे कि बात की कि पिछले दिनों पाकिस्तान के मतलब कि प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब पहुँचे थे, लेकिन कश्मीर की जो संवैधानिक स्थिति बदलने के लिए खिलाफ उसने जो भारत पर एक प्रकार से मतलब वो चाह रहे थे कि सऊदी अरब भी मतलब इसमें कुछ हस्तक्षेप करे, लेकिन सऊदी अरब ने यह सब करने से बिल्कुल वापस मना ही कर दिया। भारत का उसने सपोर्ट ही किया बल्कि। तो निश्चित तौर पर एक बात की जाए कि जहाँ पहले जो इस्लामी राष्ट्रों में पाकिस्तान की एक प्रकार से हैसियत काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, है ना, काफ़ी तवज्जो दिया करते थे सऊदी अरब वगैरह पाकिस्तान को, लेकिन अब ऐसा मतलब कि चीज़ें परिस्थितियाँ बदल रही हैं, है ना। अब एक प्रकार से उसने अपनी एक प्रकार से ये जो परसेप्शन है तो वो चेंज हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ उसकी स्थिति काफ़ी एक प्रकार से पाकिस्तान की ख़राब हो चुकी है ना। और ये जो एक प्रकार से अव्वल तो वह गलत विदेश नीतियों का पोषण करता है और फिर स्वयं उन बैठकों सम्मेलनों से किनारे हो रहा है, तो यहाँ भारत को एक प्रकार से तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो जैसे इस्लामी देशों के मंच भी एक प्रकार से शामिल, तो वहाँ पर जैसे कि पाकिस्तान जो है तो एक प्रकार से भारत के अगेंस्ट में ही हरदम रहा करता था अपने इस्लामी के एजेंडे के हिसाब से लेकर के, तो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते कि इन खाड़ी देशों को एक प्रकार से चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, है ना। तो अब वो जो तो बहकावे में नहीं आते, निश्चित तौर पर जो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने हितों, राष्ट्रीय हितों को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व देते हैं। तो निश्चित तौर पे जो है तो भारत और जो सऊदी अरब का ये जो मतलब कि कह सकते हैं कि संबंध जो है तो काफ़ी मतलब अच्छे उस पर देखे जा सकते हैं ना। तो बस आज के शॉर्टकट में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।